देखिए, हम तो सबसे पहले नालंदा के ही वासी हैं और नालंदा में जो शिक्षा का जो स्थिति है, जो कभी ज्ञान के लिए प्रचलित था, नालंदा ज्ञान बांटने के लिए प्रचलित था, आज यही है जो कि यहाँ शिक्षा इस तरह का बदहाल है कि जिसका नज़ारा पूरे देश भर में लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के तहत। सबसे बड़ी बात कि मैं जिस जगह आया हूँ वहाँ युवाओं के द्वारा एक खेल का आयोजन किया गया है, उस खेल के मैं उद्घाटन में आया हूँ। आज फाइनल मुकाबले है, ये जोगा बीघा गांव पड़ता है और इसमें जितने भी आयोजक करता है मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। साथ में यहाँ आने पर मैं ये बोलना चाहूँगा सरकार पर खासकर कि पिछले दिन जो घटना हुई सोनू वाला कांड, तो यहाँ एक सोनू की बात नहीं है, लाखों ऐसे सोनू हैं जो शिक्षा के अभाव में सरकार के गलत शिक्षा नीतियों के कारण जीने के लिए मजबूर हैं। वो कुछ बनना चाहते हैं, बन नहीं पाते हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि आखिर जहां नालंदा में दावा किया जाता है कि बाहर से लोग पढ़ने आएंगे, वहां नालंदा के ही छात्र दूसरे स्टेट में जाते हैं पढ़ने के लिए, ये भी बदहाली की बात है। तो राज्य सरकार को इस सभी नीतियों पर सोचना चाहिए कि आज बिहार में शिक्षा व्यवस्था क्या है। शिक्षा कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्कूल सिर्फ दिखावा चल रहे हैं, स्कूल टाइमली खुलते नहीं हैं, लड़के प्रेजेंट रहते नहीं हैं। लड़के आप देखिएगा, 5-6 क्लास पढ़ते पढ़ते तक अचानक लड़के पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? रीजन है कि उनको पूरी अच्छे से पढ़ाई नहीं मिल पाती है, तो ड्रॉप आउट की समस्या बढ़ती जा रही है बच्चों में। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में जितने भी आपके स्कूल हैं, उस सभी स्कूल में स्मार्ट स्कूल बनाएं, सभी को इतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें ताकि बच्चे आप पर किसी भी तरह के आरोप न लगाएं और यहां से बच्चे बाहर पलायन न करें और यहां का इकोनॉमी बाहर न जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ फिलहाल सभी जितने भी प्लेयर हैं सभी से हमने मिला है और खेल भी स्टार्ट ही हो गया है, फाइनल मुकाबला है ये जोगा बीघा। यहाँ जितने भी आयोजक करता है मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। Hey.